फ्यूचर पेसिंग में सभी जाना चाहते हैं, अच्छे फ्यूचर में, है ना। कि इमेजिन सब करते हैं कि मैं ये बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं एक्टिंग करूं, या मैं आईटी इंजीनियर बनूं, मैं स्पोर्ट्समैन बनूं या स्पोर्ट पर्सन बनूं, मैं डांसर बनूं। आई मीन वी हैव आवर ओन ड्रीम्स, राइट, एंड वी लुक एट देम फ्रॉम फार, बट राइट वी हम लोग उस पर, हम देखते तो हैं सपने लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। कितनी गलत बात है। अगर हम अपने सपनों को अपने हाथ में लेकर, अपने हाथों से संजो कर उसे ग्रो करवाएं, तो क्या हम खुश नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू। आज आई एम गोइंग टू शेयर अ टेक्निक विद यू विच इन एनएलपी इज नोन एज फ्यूचर पेसिंग। फ्यूचर पेसिंग, फ्यूचर की तरफ जाना। लेकिन हम लोग कुछ हमारे सेल्फ बिलीव्स होते हैं या हमें ऐसा डर रहता है कि ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, तो हम करने से डरते हैं। आज द टेक्निक विच आई एम शेयरिंग विद यू दैट इज नोन एज आई सेड फ्यूचर पेसिंग इन एनएलपी विच इज एज गुड एज द टेक्निक नोन एज क्वांटम लीप, यानी 1000 times, मल्टीपल टाइम्स, बिलियन टाइम्स अपने फ्यूचर को अच्छा कर लेना। आप ध्यान से सुनिएगा, दिस वीडियो वुड चेंज योर लाइफ द वे इट हैज चेंज माइन, राइट। सब कुछ अंदर ही है, डेवलप करना, अच्छा हो जाना, बुरा हो जाना, सक्सेसफुल होना, फेलियर होना, सब आपके अंदर। लेकिन लगे रहिए, जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए, जब तक आप वो जो चाहे वो ना मिल जाए। सो केयरफुली, स्टेप वन, यू हैव टू कीप द ड्रीम रेडी। क्या करना है? गोल रेडी रखना है, ड्रीम रेडी रखना है। मैं क्या बनना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, क्या देखना चाहती हूँ, कैसे अपने आप को देखना चाहती हूँ, सब कुछ, है ना। ड्रीम डिसाइड हो गया, राइट। नाउ नंबर टू, व्हेन इन द मॉर्निंग यू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, जब आप अपना घर का दरवाजा सुबह खोलते हैं, आप एक स्टेप उससे बाहर लीजिए, ठीक है। बाहर जाइए फिर अंदर आइए, ठीक है। जैसे मैंने दरवाजा खोला फिर मैं अंदर आई, है ना, और फिर मैं दरवाजा खोलकर मैं मेरे दरवाजे की तरफ देख रही हूँ, राइट। मैं देख रही हूँ कि वहां पर मेरे नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको मैं बड़े प्यार से देखती हूँ। कहाँ हैंडल लगा हुआ है, कहाँ बेल लगी हुई है, कहाँ पर कौन से रंग का है, वो कितना बड़ा है, राइट। वहां पर क्या और कोई फोटो लगी हुई है, क्या कोई फूल वगैरह लगे हुए हैं, बड़े ध्यान से। हैंडल कौन सा है, पीतल का है, स्टील का है, व्हाटएवर, है ना, अपने बड़े ध्यान से देखा। यू ओपन द डोर, पुट योर राइट लेग स्टेप इनसाइड, अपना सीधा पैर अंदर। अब अंदर आ गए दरवाजे के, है ना। नाउ व्हेन यू वॉक इन, सो यू हैव टू वॉक इन लाइक, जैसे आप आते हैं ना बिल्कुल मुस्कुराते हुए, एकदम मुस्कुराते हुए आप अंदर आते हैं, और आप इमेजिन करते हैं कि अब आप एक वो नए इंसान हैं, वो नहीं जो अभी आप हैं, वो जो आप बनना चाहते हैं, वो इंसान है वो आप जो बनना चाहते हैं, आप अंदर आ रहे हैं। ये हजारों की भीड़ खड़ी हुई है, या कुछ अच्छे दोस्तों की, आपकी शुभचिंतकों की होंगे ना, वह शुभचिंतक है ना, वो आपको रिसीव कर रहे हैं, क्लैप्स कर रहे हैं आपके लिए, आपका वेलकम कर रहे हैं, और आपको बड़े प्यार से अपने गले लगाते हैं। आप उनकी तरफ बड़े खुश खुश देखते हैं, आप भी उनको गले लगाते हैं, एंड दे शेक हैंड्स विद यू। You are great. You achieved so much. We are so proud of you. First of all, your parents, they hug you. They smooch you. And they say that, oh, like if you are a mom, if you are a dad, if you are a son, if you are a daughter, then they say that we are so proud of you. We are so proud of you. And you move. You just feel in your heart that
that you are really the person you are. You have जो आपने सोचा था आपको वही इमेजिन करना है कि किस तरीके से आप आते हैं अंदर, एंट्री कैसे लेते हैं एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह. आपकी चाल में वो मदमस्त वो होना चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए जिसे एक सफलता के बाद आता है ना. आप उन सधे कदमों से अंदर आ रहे हैं, दरवाजे के अंदर आपको सब रिसीव कर रहे हैं, हैंडशेक करते हैं. बड़े बड़े लोग हैं वहां पर, बड़े बड़े सबसे पहले तो आपके परिवार के लोग हैं. अभी हम पहले स्टेप छोटा छोटा ही करेंगे. परिवार के लोग हैं, ग्रीट करते हैं, सब लोग आपको पॉजिटिव बोलते हैं. आपको कोई आपकी अचीवमेंट के लिए विश करता है, कोई आपके क्वालिफिकेशन के लिए विश करता है, कोई आपके नए सुंदर संसार के लिए करता है, कोई आपको हग करता है, कोई आपको किस करता है, कोई आपको हैंडशेक करता है. आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं. आप आगे और जाते हैं तो देखते हैं कि आपका बड़ा सा एक स्टेज आपके लिए बना है. ये वही स्टेज है जिस पर खड़े होने के लिए आप पिछले कई सालों से कोशिश करते थे. कैन यू सी देयर दैट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल जो खड़े हो गए हैं आपके सम्मान में. दे टू आर क्लैपिंग फॉर यू. आपके कान में जोर से आवाजें आ रही हैं उस क्लैप की जो आपकी सफलता के लिए बज रही है, जो आपको वेलकम कर रही है, जो आपको अभिभूत कर रही है. और ये आवाजें आपको रुला देती हैं. आपका दिल जोर से धड़कने लगता है. यही वो दिन था, जिसके लिए आपने इंतजार किया था. सो देयर इज अ क्वांटम लीप. You have left the person जो आप थे वो आप दरवाजे के बाहर छोड़ के आ गए हैं. और जो आप बनना चाहते हैं उन कदमों, उन कपड़ों, उन ड्रीम्स के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ आपने रूम के अंदर कदम रखा. Believe me, this would change your mindset. This would change your neurons. Because you have pulled your neurons, you have pumped in lots of enthusiasm, you have put lots of zeal, you have put lots of dreams into your life. And the way you tell your subconscious that you are, you become. You become what you think. What you think, you become. This is the magic of NLP. I'm going to float many new videos on NLP, but you see, you should not be interested in what is the technique called. You should be interested in the technique जो मैं आपको सिखाती हूँ, जिससे मैंने कई खुद की, अपने लोगों और कई लोगों की, क्लाइंट्स की जिंदगी बदली है. ये चैनल सिर्फ वो ही सिखाता है जो कि क्लाइंट्स पर प्रैक्टिस किया गया है, जो सेशंस लिए गए हैं, या जो हमने रिसर्चेस की हैं, या मैंने खुद माइंड रेडियस ने जो इसको प्रैक्टिस किया है. जब आप एक किसी एक्सपीरियंस्ड चैनल के साथ, एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ जुड़ते हैं, विच इज एन एजुकेशनिस्ट फॉर 30 years एंड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ हीलर एंड अ कंटेंट डेवलपर, तो मेरे ख्याल से आपका एक माइंडसेट अलग होता होगा बजाय कि किसी एक ऐसे चैनल के जो एक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आसानी से किया जा सकता है. लेकिन व्हाट, वेयर वुड पीपल ब्रिंग द सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम, वेयर वुड दे ब्रिंग द कोर्सेज फ्रॉम. वी हैव कोर्सेज, वी हैव बुक्स, वी हैव रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड. सो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो ये कोर्सेज, जो हमारा जो कंप्लीट मेरी PhD का, NLP का जो पूरा सार मैंने उनको कोर्सेज बनाकर फ्लोट कर दिया है, उसका आप जरूर फायदा उठाएं. फॉरगेट इट, क्वांटम लीप है कि फ्यूचर पेसिंग है. आप सिर्फ ये जानिए, ये प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे. जब आप उठते हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए. ये परवाह ना कीजिए कि ये
लंबा हो रहा है वीडियो या छोटा हो रहा है, पूरा वीडियो सुनिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए. एंड गॉड ब्लेस यू. आप क्या देखना चाहते हैं और ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं. और ये आप प्रैक्टिस करते रहें और अपने सक्सेस रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर शेयर करें और मेल करें mindmentor1111@gmail.com. गॉड ब्लेस यू.